नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखते हैं भिन्नों की अवधारणा पढ़ाने के तरीके सुखद और आनंदपूर्ण तरीके से। ये भी देखेंगे शिक्षकों को कैसे सिखाना चाहिए और बच्चों को कैसे सीखना चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य संकल्पना की स्पष्टता और प्रक्रियात्मक प्रवाह, इन दोनों उद्देश्यों को बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है, इस पर हम गौर करेंगे। उन्हें ये संकल्पना सीख लेनी चाहिए थी पांचवी कक्षा से पहले। NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार भिन्न संकल्पना के आयाम अवधारणा जो बच्चों को सीखना है वो निम्न अनुसार है। आमतौर पर बच्चों को भिन्नों की संकल्पना को समझने में कठिनाई क्यों होती है? इसके दो कारण हैं। बच्चों को शायद विभाजन का पाठ अच्छे से समझ नहीं आया, अर्थात अगर उन्हें विभाजन की एक समस्या दी जाती है और गुणा सारणी उनके सोच में आए तो विभाजन करना बिना विभाजन जाने। एक और बात, बच्चे भिन्न की भाषा नहीं समझते, यानी ऐसे शब्दों का उपयोग करना जैसे हर, अंश इत्यादि। बिना भिन्नों की भाषा को समझे बच्चों को भिन्नों की अवधारणा नहीं समझ में आएगी, वो एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। आइए तो देखते हैं उन रूपरेखाओं को जिन्हें शिक्षकों को पालन करना है। बच्चों को भिन्नों की अवधारणा सिखाते समय भिन्न कुछ नहीं है बल्कि निरंतरता है विभाजन के संकल्पना की। अर्थात अगर मुझे भिन्नों की संकल्पना को अच्छी तरह से सीखना है तो मुझे विभाजन की गहरी समझ होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भिन्नों की भाषा। यदि शब्दावली को अच्छी तरह से नहीं सीखा गया या यदि कोई भिन्नों की भाषा को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर रहा तो बच्चों को बहुत मुश्किल होगी। और भिन्नों को एक ही तरीके से सिखाना जरूरी नहीं है, हम अलग अलग विधियों का उपयोग कर सकते हैं। जब हम भिन्न सीखते हैं तो हम किसी दी गई वस्तु को समान भागों में विभाजित करते हैं, मतलब भिन्नों में विभाजन मतलब उसका अर्थ है समान भागों में विभाजित करना। उदाहरण के लिए यदि कांच या दर्पण की पट्टियां नीचे गिरकर टूट जाती हैं तो वे विभाजित हो जाती हैं लेकिन समान रूप से नहीं। जब हम एक पूर्ण वस्तु को समान मात्रा में विभाजित करते हैं तो वे समान भाग उस पूर्ण वस्तु के भिन्न रूप होते हैं जिसे हम भिन्न कहते हैं। आप विभाजन विधि के साथ साथ भिन्नों को पढ़ाना चुन सकते हैं, क्योंकि शिक्षक को ये समझना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों को विभाजन के पाठ का अच्छा ज्ञान है तो ये उनके लिए आसान होगा। और एक बिंदु ये है, भिन्न हमेशा एक पूर्ण वस्तु के साथ किया जाना जरूरी नहीं है, ये वस्तुओं के एक समूह के साथ भी किया जा सकता है। 20 नीले छल्लों के इस समूह से अगर मैं 3 निकाल देता हूं, अर्थात मैंने 20 के इस पूरे समूह में से 3 को निकाल लिया है, अर्थात मैं एक भिन्न निकाल सकता हूं एक ढेर या समूह से भी। अब ये समूह से विभाजित हैं लेकिन ये पूरे समूह का एक हिस्सा है, मैंने 20 से 5 निकाल दिए हैं, ये भी एक भिन्न है। इस संकल्पना को सिखाने के लिए आइए देखें कि गणित किट में कौन से TLM उपयुक्त हैं। पहले उदाहरण के लिए ये एबेकस रिंग्स हैं, यहां 20 छल्ले हैं 4 रंगों में। इनकी मदद से
हम इस समूह या मात्रा में बिनों को प्रस्तुत करने की विधि को देख सकते हैं। दूसरा, हम इन पीले घनों का उपयोग कर सकते हैं बिनों को समूह में दिखाने के लिए। तीसरा, हम इस संख्या रेखा का उपयोग करेंगे। इसमें भी अगर हम इसे 10 के समूह के रूप में लेते हैं तो आप कह सकते हैं मैं 10 के समूह में से 3 छल्ले निकाल रहा हूं और अंश दिखा सकता हूं। इसी प्रकार हम इन 50 काउंटरों का उपयोग कर सकते हैं भिन्न दिखाने के लिए। तो आइए देखते हैं शिक्षक और विद्यार्थियों के पसंदीदा TLM को। ये आकार का उपयोग करके किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि एक वर्ग को आधे भाग में विभाजित करना, उसके 4 बराबर भाग बनाना या उनके 3 बराबर भाग बनाना, या इसी तरह से हम देखेंगे कि कैसे एक पूर्ण वस्तु को विभाजित किया जा सकता है। ये एक वर्ग है और ये एक वृत्त है। एक वृत्त भी एक पूर्ण वस्तु है, ये आधे में विभाजित हो सकता है। एक तिहाई और एक चौथाई, इसे भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जब हमें बच्चों के लिए अंश संख्याओं को पेश करना होता है तो हम इन अंश पट्टियों का उपयोग करते हैं। ये ऐसे दिखते हैं। ये एक पूर्ण वस्तु है जिसे भिन्नों में बनाया जाता है। ये अंश पट्टियां हैं। इसी तरह जब आपको समूह या ढेर का उपयोग करके बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखानी होगी, आप इन वर्गों का उपयोग कर सकते हैं जो 100 की संख्या में हैं। ये दशमलव सेट से है, ये भिन्न सिखाने के काम आते हैं। ठोस स्तर पर TLM का उपयोग करके बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने की विधि पर एक नजर डालें। अब हम ये वस्तु का उपयोग करेंगे भिन्न सिखाने के लिए। मैं इसे पानी में डुबो देता हूं और यहां चिपका देता हूं। ये किस आकार का है? ये एक वर्ग है, सही है? ये पूर्ण आकार। अब दो हिस्सों में विभाजित कर देता हूं। याद रखें, इसे दो समान हिस्सों में विभाजित करना जरूरी है। लेकिन आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये दो हिस्से इस पूर्ण से हैं? हम इन दोनों को इस पर रखें ऐसे। क्या ये अनुपात में है? हाँ, ये पूरी वस्तु दो समान भागों में विभाजित है। अर्थात हमने कितने समान विभाजन किए? ये एक हिस्सा और ये है दूसरा। मैं ये किसी छात्र को देता हूं तो मैं पूछ सकता हूं, यदि मैं आपको ये देता हूं तो आपको क्या मिलेगा? जब हम पूरी वस्तु को दो समान भागों में विभाजित करते हैं और एक आपको सौंप देते हैं तो आपको एक मिलता है। अर्थात आपके पास क्या है? एक भाग, या दो समान भागों में से एक। किस तरह से हम समान हिस्से बना सकते हैं? क्या हम इस तरह से समान हिस्से बना सकते हैं? क्या मैं इसे इस तरह से काट सकता हूं? जब मैंने ऐसे काटा तो मुझे ये दो मिले। क्या मैं इस तरह से काट सकता हूं? देखते हैं कि ये समान है या नहीं। ये दो हिस्से हैं एक ही वस्तु के। मैं उन्हें यहां रख देता हूं। तो इस तरह ये हिस्सा
दोनों में से एक हिस्सा। एक हिस्सा अगर मैं आपको दे दूं तो मैंने आपको कितना दिया? दो में से एक दिया। इसी तरह अगर मैं इसी वस्तु के चार हिस्से करता हूं तो मैं चार हिस्से ऐसे बना सकता हूं। उसी पूर्ण वस्तु से मैं उनके चार समान हिस्से कर लेता हूं। ये महत्वपूर्ण है। जब हम भिन्न सिखाते हैं हमें ये दिखाना होगा कि समान हिस्से हैं। ये वही पूर्ण वस्तु है, ये हम देख सकते हैं। इसे वास्तविक वस्तु पर रख देते हैं, ये इस तरह से देख सकते हैं। ये सही है, ये चार हिस्से इस तरह से रख सकते हैं। मैं इसे ऊपर ले जाता हूं। इसी तरह ये पूर्ण वस्तु चार समान हिस्सों में इस तरह बांटी जा सकती है। और इस तरह भी एक और तरीका है। ये पूर्ण वस्तु को चार हिस्सों में काटा गया है, इस तरह और इस तरह। ये सारे समान हिस्से हैं। अगर मैं इसे तिरछा काटता हूं मुझे ऐसे मिलता है। और अलग तरीके से अलग आकार मिलता है, ये हम यहां देख सकते हैं। तो इस तरह एक संपूर्ण वस्तु अलग अलग हिस्सों में बांटी जा सकती है। तो अब देखें इन तीन समान हिस्सों को। अब ये तीन हिस्से और ये दो हिस्से हमने यहां दो हिस्से बनाए हैं, या हम आड़े तरीके से भी काट सकते हैं इस तरह। हम एक बर्थडे केक के बारे में सोचते हैं, मैं उसे इस तरह भी काट सकता हूं और इस तरह, दोनों एक समान होंगे। तो जैसे भी देखें समान, सही है। उसी तरह ये दोनों, आप इसे कैसे भी देखें आपको वही आधा हिस्सा मिलेगा। यहां भी ऐसे ही है, आप इसे घुमा सकते हैं आपको वही हिस्से मिलेंगे। यहां एक सवाल है, ये दो समान हिस्से हैं एक ही वस्तु के, ये चार समान हिस्से हैं वही वस्तु के। अगर मैं आपको एक देता हूं वो एक चौथाई होगा, मैं इनमें से एक देता हूं तो वो दो में से एक हो जाएगा। यहां से अगर मैं एक देता हूं तो वो तीन में से एक हो जाएगा। तो ये मुझे अब पता है, मैं एक ही वस्तु को समान हिस्सों में बांट सकता हूं। और अगर ये मैं किसी को देता हूं तो वो हिस्सा दर्शाया जा सकता है इस तरह से। ये एक भाग, इसे एक चौथाई कहा जाता है, ये भी एक चौथाई कहा जाता है, ये भी एक चौथाई कहा जाता है। मतलब ये चारों हिस्से आए हैं एक ही पूर्ण वस्तु से। तो अगर मैं पूछता हूं क्या ये चतुर्थांश इस चतुर्थांश के बराबर है, क्या ये बराबर है, तो आप कैसे जवाब देंगे? ये सभी चतुर्थांश एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरह क्या ये आधा इस आधे के बराबर है,
देखिए यहाँ, अगर ये एक केक है, चाहे मैं इसे इस तरह से काटूं, या इस तरह से, मुझे केक का आधा हिस्सा ही मिलेगा। इसी तरह, अगर मैं केक को चार टुकड़ों में काटता हूँ, तो भी मुझे उस केक का एक चौथाई हिस्सा ही मिलेगा। तो बताइए, आप बच्चों को इससे कैसे अवगत कराएंगे? हमें केवल एक नियम को ध्यान में रखना होगा, अर्थात यदि मेरे पास एक पूर्ण वस्तु है और मैं इसे समान मात्राओं में विभाजित करता हूं, तो पूरी वस्तु के समान भाग, चाहे मैं इसे कैसे भी विभाजित करूं, मुझे क्या मिलेगा? एक पूर्ण वस्तु का एक चौथाई भाग या आधा भाग मिलेगा। कभी कभी बच्चों के ये कहने की संभावना होती है कि नहीं, ये आकार अलग है, ये अलग है और वे भी अलग है, और इसे देखकर मुझे लगा मुझे बड़ा हिस्सा मिलेगा। यही शायद बच्चा सोच सकता है, ये बच्चा सोचता है। लेकिन गणित से ये कैसे बच्चों को समझाया जा सकता है? ऐसी स्थितियों में शिक्षकों को ये याद रखना चाहिए, हम क्षेत्र की संकल्पना का उपयोग कर सकते हैं बच्चों का भ्रम कम करने के लिए, लेकिन प्राथमिक चरण में, पहली से पांचवी कक्षा तक, त्रिकोण का क्षेत्र अभी तक पढ़ाया नहीं गया होगा, इसलिए हमें अभी भी क्षेत्र की संकल्पना या त्रिकोण के क्षेत्र से अवगत नहीं है, ये पढ़ाया नहीं गया, तो क्षेत्र के उदाहरण देना उचित नहीं है पहली से पांचवी कक्षा के बच्चों को। लेकिन यदि ये कथन इन सभी का क्षेत्र बराबर है उन्हें बताया जाता है, तो उन्हें ये उच्च ग्रेड में समझाना बहुत आसान होगा। यहां याद रखने वाली बात यह है कि एक पूर्ण वस्तु का चतुर्थांश हमेशा बराबर होता है, और पूर्ण वस्तु का आधा भाग, चाहे वे जिस भी स्वरूप में काटा गया हो, हमेशा बराबर रहेगा और बदलेगा नहीं। तो अब इसी आकार को दिमाग में रखते हुए हम एक अलग आकार को उठाते हैं। जैसे हम पहले आधा और एक चौथाई देख चुके हैं, अब इस आकार से सीखते हैं। ये कौन सा आकार है? ये एक वृत्त है। क्या मैं इस वृत्त को दो हिस्सों में काट सकता हूं? हाँ, हम कर सकते हैं। आप इन दो हिस्सों को यहां रख सकते हैं और देखिए कि ये सही है। हाँ, ये सही है। इसलिए ये दो भाग, दो समान भाग हैं इस वृत्त के। क्या मैं इसके तीन बराबर भाग बना सकता हूं? हाँ, ये रहे। मैं इसे चार बराबर भागों में विभाजित कर सकता हूं। ये चार बराबर भाग हैं। आप फिर से जान सकते हैं यदि ये पूर्ण वृत्त के समान विभाजन है। हाँ, उसी वृत्त को चार भागों में विभाजित किया गया है, मतलब चार बराबर भाग। इसमें भी अगर मैं एक भाग दे देता हूं, तो ये एक समान भाग या आधा होगा। यदि इनमें से एक भाग दिया जाता है, तो ये चार में से एक या चतुर्थांश है। इस तरह से आप समझाते समय आधे और चतुर्थांश जैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात ये क्या कहलाते हैं? मेरे पास कितने बचे? अगर मैं आपको एक चौथाई भाग देता हूं, तो मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास बचते हैं चार के तीन समान हिस्से, या जिसे हम तीन चौथाई भी कह सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं, चतुर्थांश, आधा, तीन चौथाई और ये एक पूर्ण। तो अब इस पूर्ण वृत्त को दस समान भागों में विभाजित करते हैं। इस वृत्त को 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है,
यदि आप मुझे इसमें से 3 देते हैं, इसका मतलब है कि 10 में से 3 दिए गए हैं, या 10 समान भागों में से 3 हिस्से मुझे दिए गए हैं। ये पूर्ण वस्तु, ये आधा है और ये दूसरा आधा, ये चतुर्थांश है, 1, 2, 3, 4। इस पूर्ण वस्तु के ये विभाजित हिस्से हैं, ये आधा और ये 2 में से 1, ये चतुर्थांश है, 4 में से 1। अर्थात इसे भी आधा कहते हैं, इसे भी आधा कहते हैं। क्या ये आधा इस आधे के बराबर है? हमने ये पहले भी पूछा था, क्या ये आधा इस आधे के बराबर है? हमें क्या जवाब मिला? हाँ, हमारे पास ये पूरी वस्तु थी जो 2 हिस्सों में विभाजित थी। हमने इन्हें यहाँ रखा, फिर से जांचा और निष्कर्ष निकाला, तो ये आधा इस आधे के बराबर है। उच्च वर्ग में क्षेत्र की मदद से हम सही अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमने एक ही पूर्ण वस्तु के 2 समान भाग किए हैं, हमें ये मिला। तो फिर इस आधे और इस आधे के बीच क्या अंतर है? क्या ये समान हैं या अलग? जवाब है, ये इस पूरी वस्तु का आधा हिस्सा है और ये इस पूरी वस्तु का आधा हिस्सा है। हम इसे अपनी सामान्य बोली में आधा कहते हैं, लेकिन ये इस पूर्ण वस्तु के 2 हिस्सों में से एक है और ये इस वस्तु का आधा है। तो क्या ये चतुर्थांश और ये चतुर्थांश बराबर हैं? ये 1/4 है, या 4 समान भागों में से 1 भाग, और ये 1/4, क्या ये बराबर हैं? क्या ये 1/4 उस 1/4 के बराबर है? ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये इस वस्तु का हिस्सा है और ये इस वृत्त का हिस्सा है। अब हम इस आकृति को चुनते हैं। हमने ऐसे ही एक आकार ले लिया है। ये क्या आकार है? ये एक आयत है। क्या इस आयताकार को 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं? 2 बराबर हिस्सों में, बराबर हिस्से। हाँ, इस आकृति के लिए, इस भाग के लिए क्या नाम दिया जा सकता है? ये भाग है। क्या ये इस वस्तु का आधा हिस्सा है? ये सफेद टुकड़ा इस पीले आयत का आधा भाग है, इसीलिए क्या मैं यहां रख सकता हूं? ये 1/4 है, यहां आधा है, तो हम ये कहते हैं, यानी ये सभी मात्राओं में, जैसे आधा, चौथाई, 1 बराबर हिस्सा, 2 बराबर हिस्से, जिस स्रोत से इन्हें लिया जाता है वे महत्वपूर्ण है। जब बच्चे इस तरह के एक स्वरूप को देखते हैं तो ये 1/4 हो जाता है जब यहां से लेते हैं, और जब अलग स्वरूप में व्यवस्थित करते हैं तो ये दोनों भाग इस वस्तु के आधे हिस्से बन जाते हैं। हम इसे ले रहे हैं, इसे नहीं, एक पूर्ण वस्तु के रूप में, और जब हम इस पूरी वस्तु को समान रूप से विभाजित करते हैं तो हमें आधा मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे और उनके साथ शिक्षक असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमें क्षमता बढ़ानी होगी गणितीयकरण प्रक्रिया को जल्दी से समझने की, और पता होना चाहिए कि गणित में कौन सी विधि लागू करने से हम सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हमें सही उत्तर कैसे मिलेगा? तो हमें इन आकृतियों की क्षेत्रों की गणना करनी होगी एक सही उत्तर पाने के लिए। इसलिए इन विधियों का उपयोग ठोस अवस्था में करते समय मूल आकृति जरूरी है।
जब हम आकृतियों को आधार के रूप में रखते हैं और बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाते हैं, जब हम ऐसी विभिन्न आकृतियों का उपयोग करते हैं, तो आधे का विचार और ये आधे बराबर क्यों नहीं हो सकते? ये चतुर्थांश बराबर क्यों है? एक चौथाई भाग क्यों बराबर है? जब अंश विधि के लिए आकार का प्रयोग करके इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सिखाया जाता है, तो बच्चों के लिए उपयोगी होगा और वे इसे बेहतर समझेंगे। जब हम आकृतियों को आधार के रूप में रखते हुए भिन्न की संकल्पना सिखाते हैं, तो बच्चों को संकल्पना की स्पष्ट समझ होगी। अब तक हमने आकृतियों के उपयोग के साथ अंशों को चित्रित करने की विधि देखी है। अब ये देखो, भिन्नात्मक संख्याएं। अब हमारे पास एक पूरी वस्तु है। चूंकि हम भिन्नात्मक संख्याओं को पढ़ने जा रहे हैं, यदि हमें संख्याओं और अंकों में भिन्नताओं में दिखाना है, तो हम एक उदाहरण ले सकते हैं। ये एक पूर्ण वस्तु है। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? मुझे इसे एक अंश के रूप में दर्शाना है। मैं अब इसे दो भागों में विभाजित कर रहा हूं। जब इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं, तो हमने अंशों को आकृति के रूप में देखा है। हम इन्हें क्या कहेंगे? एक बटा दो, या मैंने इन दो भागों में से एक भाग दिया है। अब यदि मैं किसी छात्र को इसे देकर पूछता हूं, मैंने आपको कितने भाग दिए हैं? छात्र को उत्तर देने से पहले एक प्रश्न पूछना पड़ेगा। महोदय, आपने इसे कितने बराबर भागों में विभाजित किया है? तो मैंने इनमें दो समान भाग किए हैं, इसलिए आपको एक बटा दो मिलता है, आधा। आइए एक नजर डालते हैं कि कितने बराबर हिस्से बनाए जा सकते हैं। इन्हें तीन भागों में किया जा सकता है। इन तीन बराबर भागों को इस पूर्ण भाग के बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे समान विभाजन। इसी तरह कितने समान विभाजन किए हैं? एक, दो, तीन, चार। तो अब कितने समान हिस्से हैं देखते हैं। पांच बराबर हिस्से, सही है? तो अब इन्हें क्या कह सकते हैं? एक बटा पांच, दो होगा दो बटा पांच, एक और दो बार, तो मैंने दिए पांच में से दो। कितने समान भागों में विभाजित किया है? यहां भी हम पूर्ण वस्तु को समान भागों में विभाजित कर रहे हैं, इसलिए इन्हें छह समान हिस्सों में विभाजन किया है। तो इसे हम कह सकते हैं पहला हिस्सा छह में से एक हिस्सा। इन तीनों को आधा कहा जा सकता है। आगे मैंने इन्हें सात बराबर भागों में विभाजित किया है। और फिर हम आठ समान भाग बनाते हैं। ये नौ समान भाग हैं और ये दस, यानी ये पूर्ण वस्तु विभाजित किए हैं दो बराबर हिस्सों में, तीन बराबर हिस्सों में, पांच बराबर हिस्सों में, छह, सात, आठ, नौ और दस बराबर भाग। इसके माध्यम से हम भिन्नों में लिखने की विधि को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब अगर मैं बच्चों से पूछूं कौन सा बड़ा है,
दो में से एक या आठ में से एक। ठोस अवस्था में बच्चे एक हाथ में ये आधा और एक हाथ में वे आठ में से एक हिस्सा पकड़ेंगे, तब वो समझेंगे कि दो में से एक आठ में से एक भाग से बहुत बड़ा है। जब मैं बोर्ड पर समान अंश लिखता हूं तो वे क्या सोचेंगे? वे शायद केवल पूर्ण संख्याओं दो और आठ को देख रहे होंगे, वो इन्हें भिन्नात्मक संख्याओं की तरह शायद ना देखें। यही कारण है कि ठोस अवस्था में बच्चों को समझने के लिए देखने और महसूस पद्धति का पालन करना होगा। ये समझने के लिए दो में से एक भाग आठ में से एक भाग से अधिक है। इसी पद्धति का पालन करके जागरूकता लाने के लिए कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, ये TLM बहुत मददगार है। अगर हम इसे इस तरह से व्यवस्थित करते हैं तो बच्चे संकल्पना को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जब हम इसे इस स्वरूप में व्यवस्थित करते हैं तो वो अवरोही क्रम से अवगत हो जाएंगे। ये है आठ में से एक, ये छोटा है दो में से एक से। केवल दो में से एक और आठ में से एक की तुलना ही नहीं, आप ये भी तुलना कर सकते हैं कि नौ में से एक दस में से एक से अधिक है या कम। जब हम ठोस अवस्था कहते हैं तो हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और फिर विश्लेषण भी कर सकते हैं कि ये बड़ा है। तो जब हम इन भिन्नात्मक संख्याओं को लिखते हैं, हमने इस एक वस्तु को विभाजित कर दिया, इसलिए इसे एक भिन्न की समस्या नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ठोस चरण है, खेलने की एक विधि, खेलना और सीखना, करना और समझना। तो वो इनके साथ खेलते खेलते सीख रहे हैं और साथ साथ विश्लेषण कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्योंकि इसे दो बराबर हिस्सों में विभाजित किया गया है, इसे तीन बराबर भागों में और इसी तरह इसे दस बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इसलिए अगर मैं चुनता हूं दो चार में से एक को और चुनता हूं एक आधा, तो क्या ये समान है? ये ज्ञान भी दिया जा सकता है, ये करने का तरीका है। क्या होगा अगर हम इसको मिला दें आठ में से एक के साथ? ये सही है। अगर मेरे पास चार आठ में से एक हिस्से हैं, अगर मैं उन्हें मिला देता हूं तो मुझे एक आधा मिलेगा, यानी ये आधा चार आठ में से एक हिस्से के समान है। इसी तरह इसे देखते हैं, ये है दस में से एक। अगर मैं ये लूं एक दो तीन चार पांच दस में से एक, तो ये आधे के समान है। हम इसे क्या कहते हैं? समान अंश। इन्हें कहते हैं समान अंश। एक आधा दो चतुर्थांश के बराबर है, एक आधा चार आठ में से एक हिस्सों के बराबर है, ये चतुर्थांश दो आठ में से एक हिस्सों के बराबर है, दो आठ में से एक बराबर है। क्या हम कह सकते हैं, क्या तीन दस में से एक हिस्से दो आठ में से एक हिस्से के बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहां भी ये बराबर नहीं है। तीन दस में से एक दो आठ में से एक के बराबर नहीं है। मुझे गणितीय गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है इस असमानता को जानने के लिए। ये बहुत आसान है ठोस अवस्था में समझने के लिए।
दो 8 में से एक 3 10 में से एक के समान नहीं है, या फिर 2 10 में से एक, लेकिन बाकी सब समान हैं। 4 में से एक 2 8 में से एक के बराबर है, ये हम यहां देख सकते हैं। 2 8 में से एक 1 4 में से एक के बराबर है। तो इस तरह हम समान अंशों को बच्चों को सिखा सकते हैं। इस तकनीक से बच्चे भिन्न के बारे में सीख सकते हैं, आकृतियों के आधार पर, साथ साथ संख्याओं के आधार पर, और वो सीख सकते हैं तुलना कैसे करना है, आपस में तुलना। तो इस तरह वो तुलना की तकनीक सीख सकते हैं। तो यही चीज इस तरीके से भी दिखाई जा सकती है। हम ये देख चुके हैं, एक आधा 2/4 के बराबर होता है। ये 1/4 कब बनता है? जब पूर्ण वस्तु चतुर्थांशों में विभाजित हो जाती है। जब मैं वृत्त को विभाजित करता हूं, 4 बराबर भागों में, वृत्त का आधा हिस्सा 2/4 के बराबर होगा। एक पूर्ण चक्र, उसका आधा हिस्सा बराबर है 2/4 के। ये चतुर्थांश है और ये आधा वृत्त, वही हम यहां दिखा रहे हैं। 2/1 एक आधे के बराबर है, 2/1 एक आधे के बराबर है, हम यही यहां दिखा रहे हैं। हमने इसे आकृति के साथ दिखाया है, ये आकृति के साथ और ये भिन्नात्मक संख्या के साथ। अब भिन्नात्मक शब्दावली, 9 में से एक, मेरे पास 2 हैं, मेरे पास ये तीसरा यहां है, 3 9 में से एक हिस्से, तो इकट्ठे इनको 9 में से 3 कहा जा सकता है, ये कह सकते हैं। ये एक तरह का योग है या अंशों का जोड़। अंशों का जोड़ प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाया नहीं जाता, ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होता, लेकिन ये शब्दावली, मेरे पास 3 9 में से एक हिस्से हैं, यानी 9 में से 3 हिस्से, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो जब हम इसे देखते हैं, तो इस गतिविधि को देखते हैं, 1/3, इसका समान भिन्न क्या होगा? 1/3 ये किसके बराबर है? इसको हम किससे मिला सकते हैं ताकि वही संख्या आ जाए? मैंने अब एक उदाहरण दिया है, अगर हम 2 वस्तुओं को मिलाएंगे तो क्या बराबर हो जाएगा? तो हम उन्हें बता सकते हैं और गतिविधियां दे सकते हैं उन्हें और उदाहरण देकर। अब तक हमने भिन्नों को पूर्ण वस्तुओं से बनाने की गतिविधि देखी है, सही है? हमने बच्चों को एक कारक प्राप्त करने के लिए एक वर्ग या वृत्त को बराबर भागों में विभाजित करने के तरीकों को सिखाने के लिए विविध उदाहरणों पर ध्यान दिया है, ये हमने अब तक देखा है। अब आइए अंशों को प्राप्त करने की विधि देखें, दिए गए वस्तुओं के समूह या ढेर से। शुरू करने के लिए हम इस परिचित शिक्षण उपकरण को ले रहे हैं, मैं इसमें से एक ढेर का चयन करूंगा, इसमें 10 मनके हैं। अगर मैं आपको 10 में से 3 देता हूं तो मैंने आपको कितने दिए? यहां आपको भाषा या शब्दावली का उपयोग करते समय बहुत सावधान रहना होगा। यहाँ मैंने आपको
10 में से 3 दिए हैं। यहां पर बच्चों से गलती हो सकती है और वो कह सकते हैं कि मुझे 3 मनके मिले। जब आप अंशों की संकल्पना को सिखा रहे होते हैं तो आप पूछते हैं कि आपको कितने में से कितना मिला। मैं कहता हूं 10 में से मुझे 3 मिले। उसी तरह अगर मैं आपको 10 देता हूं, ढेर में कितने थे? ढेर में 100 थे, और 100 के ढेर में से मैंने आपको 10 दिए। उसी तरह अगर मैं किसी छात्र को 20 देता हूं, अगर मैं ये 20 देता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने 20 मन के लिए? नहीं, मुझे ये कहना होगा 100 मन के में से मैंने 20 मन के लिए हैं। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 ये हैं 50 मन के। 50 क्या है? ये आधा है। यहां 100 मन के हैं, उन्हें बराबर बांटा गया है। इस ढेर से अगर मैं 50 मन के देता हूं, 100 के इस समूह से मैंने तुम्हें 50 दिए हैं। अब ये मन के कैसे दिख रहे हैं? ये बराबर हैं। इसका मतलब 100 मनकों के इस ढेर से मैंने आपको आधा भाग दिया है, यानी 100 में से 50। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको पूरे ढेर से आधा ढेर दिया है। इसी विधि का उपयोग करके आप इस समूह या ढेर से भिन्नात्मक संख्याओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये तब किया जा सकता है जब मैं इनमें से प्रत्येक वस्तु को समान भागों में विभाजित या वितरित करता हूं और आपको एक अंश देता हूं। ये वो समूह है जिसे मैं आपको देना चाहता हूं। वो समूह आपको तब दिया जाएगा जब पूरा समूह समान रूप से विभाजित हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी तरह एक और उदाहरण देने के लिए हम ये पीले गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोजमर्रा की गतिविधियों के करीबी उदाहरण देना हमेशा बेहतर होता है। उदाहरण के लिए मैं एक दुकान पर काम करता हूं और हम बेचते हैं रेखागणित बक्से। उस दुकान में स्कूल अब शुरू हो रहा है और मालिक ने मुझे दुकान जाकर ये जांचने के लिए कहा कि वहां कितने रेखागणित बक्से हैं। आइए हम मानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के लिए एक प्रकार का और माध्यमिक विद्यालय के लिए अन्य प्रकार का रेखागणित बॉक्स है। 2 विभिन्न प्रकार के रेखागणित बॉक्स हैं। कुल 100 रेखागणित बक्से हैं। कितने रेखागणित बक्से हैं? प्राथमिक स्कूल के लिए हम 100 में से 50 ले सकते हैं, या हम कितने भी ले सकते हैं, जैसे 100 में से 25 या 100 में से 30। तो उपलब्ध भंडार में प्राथमिक विद्यालय को कितना मिला? तो इस तरह से यदि हम ऐसे उदाहरण लेते हैं तो समूह से भिन्न प्राप्त करने की विधि सिखाई जा सकती है आसानी से। आगे बढ़ते हुए अब हम पीले क्यूब्स को दूर करते हैं और 50 वर्ग काउंटरों के इस समूह को ले लेते हैं। जब मैं पूछता हूं वर्ग काउंटरों के इस ढेर में कितने नीले वर्ग के काउंटर हैं, बच्चे गिनती शुरू करेंगे और 10 वर्ग काउंटरों को बाहर निकालेंगे। तो अगर मैं आपको ये नीले रंग के काउंटर दूं तो इस 50 काउंटरों के ढेर से मैंने आपको कितने दिए होंगे? 50 के ढेर से मैंने आपको दिए 10। इसी तरह ये पीले गन, 50 के ढेर से आपको 10 मिले। तो कितने में से कितना दिया जाता है? इस तरह की शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक पहलू है जिसे विषय को पढ़ाने के दौरान बच्चों के दिमाग में गहराई से डालना होगा। ये पहलू, हमें इस पहलू पर इतना जोर देना है क्योंकि जब हम किसी समूह या ढेर से अंश निकालना सीखते हैं तो भविष्य में बच्चों के लिए विभिन्न संकल्पनाओं को सीखने में ये बहुत मददगार साबित होगा। उच्चतर कक्षाओं में अधिक संकल्पनाओं को पेश किया जाता है, जैसे 6, 7 और 8, और शामिल किया जाता है प्रतिशत, दशमलव या अनुपात या ग्राफ चित्रण।
तो इन सभी संकल्पनाओं के लिए समूहों में अंशों को सीखना बहुत मददगार साबित होगा। अब तक हमने देखा ठोस चरण अंशों का, आंशिक स्ट्रिप्स, आंशिक संख्याओं, अंशों और समूहों का उपयोग करके। इससे पहले कि हम ठोस चरण से अमूर्त चरण पर जाएं, अंशों को प्रतिनिधित्व चरण या एक चित्रात्मक चरण में चित्रित करने के तरीकों को एक वर्ग रेखा पुस्तक का उपयोग करके दिखाते हैं। शुरू करने के लिए एक वर्ग रेखा पुस्तक में मैं इन चार वर्गों के लिए सीमाएं खींचूंगा, मतलब इन चार वर्गों में से हर एक के चारों ओर एक नीली सीमा है। अब मैं चार वर्गों में से एक को लाल रंग से रंग दूंगा। मुझे बताओ कितने वर्गों में लाल रंग है? यहां भाषा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चार वर्गों में से एक वर्ग को रंग दिया गया है लाल रंग से। यहां याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ये नहीं कहना कि एक वर्ग रंग दिया है, आपको ये कहना है कि चार वर्गों में से मैंने एक वर्ग को रंग दिया है। इसी तरह मैंने इन 10 वर्गों के चारों ओर एक सीमा बनाई है, उसमें मैंने हर दो वर्गों के बीच एक रेखा खींची है। मैं इस हिस्से को रंग देता हूं, जिसका अर्थ है 5 भाग में से मैंने एक भाग रंग दिया है। तो इस तरह से मैं दिखा सकता हूं 5 में से एक। पिछले उदाहरण में 4 बराबर भागों में से मैंने एक भाग को रंग दिया है। एक और तस्वीर पर नजर डालते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 समान भाग। इन 10 बराबर भागों में मैंने कितने भागों को रंग दिया है? 1, 2, 3। लेकिन पूरी तरह से कितने बराबर हिस्से हैं? 10 भाग हैं, जिसमें से 3 बराबर भागों को रंग दिया है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बच्चों को ये संकल्पना सिखाते समय इस वीडियो में इसकी परिभाषा यानी ये अंश और ये हर, ये बच्चों को सिखाना चाहिए। एक बार संकल्पना बच्चों को सिखाई और पढ़ाई अच्छे से, ये एक सही तरीका है सिखाने का, क्योंकि अंशों की संकल्पना सीखना पहले से ही कठिन है, विषय शुरू करने से पहले ही ऐसे शब्दों का जैसे हर और अंश, अगर हम अंश वैसे ही उनके लिए नया शब्द है, अगर हम उन्हें अंश और हर सिखाना शुरू कर दें तो ये नए शब्द हैं और एक नई संकल्पना सीखी है। इनमें इतने शब्द हैं, मैं ये सुनिश्चित करने में असमर्थ हूं कि कौन सा अंश है और कौन सा हर। यानी एक बच्चे को पढ़ाने के दौरान आप अगर कहते हैं यहां कितने हैं और मैंने कितने रंगे, मैंने कितने दिए
और मैंने कितने लिए हैं, और कुछ क्रियाओं का इस्तेमाल करें या क्रिया शब्दों का बच्चों को समझाने के लिए, और उन्हें ये बताकर कि जो मुझे प्राप्त हुए हैं या जो मैंने रंग दिए हैं उन्हें भिन्न में ऊपर लिखा गया है और समान रूप से विभाजित किए गए भागों की कुल संख्या नीचे लिखी गई है। आइए यही तरीका एक दूसरे चित्र में देखते हैं। ये चित्र यहां से यहां 10 स्क्वायर है और यहां से यहां भी 10 स्क्वायर है, तो कुल 100 वर्ग है। इस 100 में मैं कुछ चिन्ह बना देता हूं। और इनमें कुछ रंग भर देता हूं। मैं इसे पूर्ण रूप से रंग देता हूं। तो ये क्या दर्शाता है? 100 वर्गों में से मैंने 25 वर्गों को रंग दिया है। ये सारे अलग अलग तरीके हैं भिन्नों को बच्चों को सिखाने के। तो यहां अगर मैं एक रेखा चित्रण करूं तो कितने समूह बनेंगे? अगर मैं ये रेखा लगा दूं रंगीन समूह में और बाकी के हिस्सों में, हम देख सकते हैं कि 25 रंगीन हिस्सा है और 100 पूर्ण। यहां भी अगर हम एक रेखा खींच दें तो ये रंगीन है और ये पूर्ण, ये रंगीन है और ये पूर्ण, ये समान हिस्से हैं, ये समान हिस्से हैं, 2 प्रत्येक 5 समान हिस्से हैं, और यहां जितने भी समान हिस्से किए उसमें से 3 रंगीन हैं। यहां 100 हिस्से थे, 100 समान हिस्से, 25 रंगीन थे। तो इस तरह हम उन्हें भिन्नों की संकल्पना रेखा गणित बुक यूज करके सिखा सकते हैं। अब हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। ये मेरी एक पूर्ण वस्तु है। हम देखते हैं कि इस पूर्ण वस्तु के साथ हम क्या कर सकते हैं। हम भिन्नों के बारे में कैसे सीख सकते हैं या भिन्नों के अंशों के बारे में कैसे सीख सकते हैं, ये हम देखते हैं। ये पहली वस्तु है, ये मैंने पूर्ण वस्तु की तरह ली है और मेरे पास सिर्फ एक है। मैं एक रेखा खींच सकता हूं और इनको 2 हिस्सों में बांट सकता हूं। इस पहले हिस्से को हम कह सकते हैं 2 में से 1, ये भी है 2 में से 1। इस पूर्ण वस्तु के साथ तो कितने हिस्से हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 4 समान भाग, तो ये 4 में से 1। कुल कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, तो एक हिस्सा 4 में से 1 है, इसलिए ये 4 में से 1 समान हिस्से हैं, ये भी 4 में से 1। हर हिस्सा एक हिस्सा है। अगर हम इनको मिला दें तो एक पूर्ण वस्तु मिल जाएगी। हम इसे करते हैं, इसे देखते हैं। यहां मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 समान हिस्से बना दिए हैं, यानी हर एक 8 में से 1 है। क्या होगा जब सबको मिला देंगे तो? 4 समान हिस्से, लेकिन कितने के? 8 में से, यानी 4 8 हिस्सों के,
यानी 8 समान हिस्से यानी ये आधा, ये हम अंश पट्टी इस्तेमाल करते समय देख चुके हैं। तो इस तरह से रेखागणित पुस्तक से जो सीखा है वो हम यहाँ दिखाते हैं। अगर हम अंश पट्टी का इस्तेमाल नहीं करते, ये समझाने की चरण है जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों की मदद करते हैं, ठोस चरण में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका प्रयोग करने में, अंशों को दिखाने के लिए रेखागणित पुस्तक इस्तेमाल करके, जब अंश पट्टी ना हो तो। अंश पट्टी जिन्हें हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक विशेष तकनीक है। अगर बच्चे ये कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें ये अच्छे से समझ में आ गया। 8 में से 1 के समान हिस्से, यहाँ कितने समान हिस्से हैं, इसका जो आधा है, यहाँ 16 में से 1 हिस्से हैं और इसे हम कहेंगे 16 में से 1। 16 में से 1, तो ये तरीके हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों में जागरूकता लाने के लिए, भिन्नों को सीखने के लिए, रेखागणित पुस्तक का उपयोग करके। यानी हम संकल्पना को सीखने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों में ये तकनीक इस्तेमाल करके। देखते हैं कि रोज़ की दिनचर्या में ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम हमारी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। हम इसे आधा और इसे एक चौथाई कहते हैं, भिन्न की भाषा में 2 में से 1, हम कहते हैं 2 में से 1, ये है 4 में से 1, 2 में से 1, 4 में से 1, 8 में से 1, 16 में से 1। अगर हम इसके 2 लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 में से 2, ये है 2 में से 1। अगर हम 2 में से 1 और 2 में से 1 को जमा कर दें तो हमें ये 1 मिलता है। जिस पूर्ण वस्तु से हमने शुरू की थी वो हमें वापस मिल जाती है। हम देख सकते हैं हर जगह पर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अगर हम इनको मिला दें तो एक पूर्ण वस्तु मिल जाएगी, यानी 4, 4 में से 1 हो जाता है 1। हम ये पहले देख चुके हैं, ये विभाजन का भी एक नियम है। आइए देखें कि अंशों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है। मेरे स्कूल में 50 विद्यार्थी हैं और 50 में से 25 छात्राएं हैं। अगर मुझे अपने स्कूल की लड़कियों की संख्या को अंशों में बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा? इसका उत्तर है, पूरे 50 को 2 भागों में विभाजित किया है, मतलब 25 और 25, 50। जब मैं 50 को 2 भागों में विभाजित करता हूँ तो एक भाग लड़कियों का होता है, मतलब आधा भाग लड़कियों का है। यदि हमें आधे चौथाई जैसे शब्दों का उपयोग किए बिना इसको चित्रित करना है तो हम इसे अलग तरीके से कह सकते हैं। 234 छात्र हमारे स्कूल में आए 10वीं की परीक्षा देने, 79 हमारे गांव से थे, इसलिए हमारे गांव से कितने थे? 234 में से 79 बच्चे हमारे गांव के थे। ये भी एक अंश है। अधिकांश समय 10 बराबर भागों में से एक भाग हम भिन्न के उदाहरण के तौर पर लेते हैं, या ऐसे ही उदाहरण। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में अंशों को चित्रित किया जा सकता है इस तरह। एक अन्य उदाहरण, एक स्कूल बैग की लागत 100 रुपये है, लेकिन आज उसकी कीमत में आधी छूट है। वे बैग आपको आधी कीमत में मिलेगा। यहां भी एक अंश है। 100 का आधा कितना है? उन्होंने यहां आधा क्यों लिखा है?
स्टोर में आधी कीमत की छूट काफी वस्तुओं पर हो सकती है, लेकिन हमें इस वस्तु की कीमत को ध्यान में रखना होगा और आधे हिस्से की गणना करनी होगी। ये रोजमर्रा की जिंदगी में अंशों को देखने का एक और तरीका है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं अब लेता हूं एक और उदाहरण। मैं बाजार गया अपने परिवार के साथ और खरीदे 12 कपड़े। 3 कपड़े मेरे लिए, 3 मेरी बहन के लिए, 3 मेरे पिता के लिए और 4 कपड़े मेरी माँ के लिए। तो 12 कपड़ों में अगर 4 मेरी माँ के हैं तो मेरी माँ को क्या हिस्सा मिला? इसे बिनों में कैसे चित्रित किया जा सकता है? उत्तर है 12 में से 4। 12 में से 4 का अर्थ है कि ये 1.5 का एक तिहाई है। एक अन्य उदाहरण, मेरी माँ ने मुझे 5 काम दिए थे, उनमें से मैंने 3 समाप्त कर दिए। कितने शेष हैं? 5 कार्यों में से मेरे पास 2 शेष हैं। इस तरह यदि हम रोजमर्रा के जीवन में अंशों का उपयोग करते हैं तो संभावना है कि बच्चे अंशों के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करें। प्राथमिक शिक्षण में जरूरत या अपेक्षा से कहीं ज्यादा। उदाहरण के लिए मेरे पास आधा वृत्त है। अगर मैं 5 आधे वृत्त मिला दूं तो हमें कितने घेरे मिलेंगे? इसका जवाब आप निकाल सकते हैं। एक वृत्त बनाएं, उसका आधा बनाएं। अगर ऐसे 5 समान हिस्से हैं तो हमें कितने वृत्त मिले? आप इसके लिए उसका उत्तर जान सकते हैं। अब हम देखते हैं तरीके और कारण जिनसे गलत धारणाएं बन जाती हैं भिन्नों के बारे में। ये हम देखते हैं। सबसे पहले शिक्षकों को क्या गलत धारणाएं हो सकती हैं, ये सब समझने के दौरान कभी कभी जो हम देखेंगे। शुरू करने के लिए, क्या भिन्नों की अवधारणा एक पूर्ण वस्तु को ध्यान में रखते हुए सिखाई जानी चाहिए? क्या इसे बच्चों को पढ़ाने का आधार माना जाना चाहिए या फिर ढेर या समूहों का उपयोग कर सकते हैं? इसके अलावा भिन्नों की भाषा बच्चों को कैसे सिखाई जा सकती है? ये बहुत जरूरी है। इन मूल बातों के महत्व को समझे बिना यदि आप सिखा रहे हैं भिन्नात्मक नाम कैसे पढ़ें या इसकी परिभाषा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भाषा या शब्दावली परिचित करा रहे हैं बच्चों को मूल बातों को समझने के पहले, ये मुश्किल होगा। और कई बार भिन्न के प्राथमिक ज्ञान के अलावा अलग अलग प्रकार के भिन्न जैसे कि अनुचित या मिश्रित पढ़ाने में कभी कभी गलत धारणा बन जाएगी। एक बच्चे में गलत धारणा कब बनती है? जब उन्हें अंश और हर के बारे में नहीं पता होता। रोजमर्रा की जीवन में भिन्नों की क्या आवश्यकता है, ये कहाँ उपयोगी है रोजमर्रा के जीवन में? वास्तविक जीवन में इसके बारे में ना जानना, मतलब वास्तविक जीवन का उदाहरण दिए बिना और बिना गणितीयकरण के पढ़ाना गलत तरीका है। एक और क्षेत्र है अंशों की तुलना करना, क्योंकि संख्या का एक अलग तरीका है। भिन्नात्मक संख्या एक अलग तरीके से है। जब बच्चे अंशों को देखते हैं
तो उनके दिमाग में संख्या का पाठ आता है, उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है समझना कि अंश भिन्न प्रकार की संख्याएं हैं, इसलिए वो इसके बारे में सोचते नहीं है। जब आप 8 में से 1 और 2 में से 1 की तुलना करते हैं तो कौन सा बड़ा है, तो त्वरित उत्तर होगा 8 में से 1, क्योंकि 8 2 से अधिक है। लेकिन ये संकल्पना कि आपने कितने बराबर हिस्से बनाए उस वस्तु में से एक हिस्सा निकालने के लिए समझ में नहीं आती है और तुलना की जाती है, ये एक गलती है। इसी तरह बच्चों को अक्सर भ्रम हो जाता है जब कारकों का जोड़ और घटाव आता है। सामान्य संख्याओं को जोड़ने और घटाने और भिन्नात्मक संख्याओं को जोड़ने और घटाने के बीच एक अंतर है। अगर इसे ठीक से नहीं समझा तो सभी गलत धारणाएं और गलत फहमियां होती हैं। तो फिर हम बच्चों के दिमाग से इन गलत धारणाओं और गलत फहमियों को कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इन गलत धारणाओं को कैसे ठीक किया जा सकता है? ठोस अवस्था में बच्चों को वस्तुओं का उपयोग करना होगा, संकल्पना को समझना होगा, बाद में उन्हें एक वर्ग रेखा पुस्तक में इसका अभ्यास करना होगा। अभ्यावेदन चरण में ठोस वस्तुओं के साथ जो याद बनी है उन्हें वर्ग रेखा पुस्तक में इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उनके पास ठोस वस्तुएं नहीं होंगी जब वर्ग रेखा किताब होगी, उनके पास सिर्फ किताबें होंगी। अगर ठोस वस्तुओं के साथ खेलने की अच्छी याददाश्त है और वही चीज अगर वो वर्ग रेखा किताब में दिखाएं तो इसका मतलब है कि वो अब पूरी तरह समझ गए हैं। तो अगर ये संकल्पना स्पष्ट कर दी जाए क्लास में, सारी गलत धारणाएं और गलत फहमियां कम हो जाएंगी। अब तक हमने देखा है अंशों की संकल्पना को ठोस अवस्था से अमूर्त अवस्था तक कैसे ले जाया जा सकता है अभ्यावेदन चरण के द्वारा। एक आनंदमयी और आनंददायक विधि से एक क्लास में, ये हमने देखा है। आशा करते हैं आप इसका इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।